व्हाट्सएप यूट्यूब कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। कोविड केसेस कम हो रहे, केस कम रजिस्टर्ड हो रहे, सब कुछ ओपन हो रहे वापस से, सब कुछ मैं देख रहा हूँ सब जगह क्राउड्स वापस वैसे के वैसे ही आ गए। दिस इज द इंडिकेशन दैट हम लोग थर्ड वेव को इनवाइट कर रहे हैं। दैट्स राइट, हम लोग थर्ड वेव को इन्विटेशन दे रहे कि भाई जल्दी आओ। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर भी कौन से भी स्टेशन में मैं जो उतर रहा हूँ वहाँ पे क्राउड मतलब अनकंट्रोलेबल, मतलब जैसे पहले था वैसे ही हो गया है। कोविड बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी लोग फॉलो नहीं कर रहे। आई अंडरस्टैंड कि लोगों को काम करना भी बहुत ज़रूरत है बिकॉज दो साल से सब लोग की हाल बहुत ख़राब था, पर आई थिंक वी आर इन्वाइटिंग द थर्ड वेव। फिलहाल टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर बाद में कभी एक वीडियो बनाऊंगा। आज का टॉपिक है कि हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो हमारे नितिन गडकरी साहब है हिप्पो, उसने कहा है कि जो ओल्ड कार स्क्रैप पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है उसको पास किया गया है। और मोदी ने भी शायद लास्ट वीक ही कहा था कि फ्राइडे और सैटरडे को उसने भाषण में कहा था कि इसको अपनाइए, मतलब हम लोग को वो कह रहा है कि इसको अपनाइए। तो इसका मैं एक स्ट्रैटेजी बता दूँ, नितिन गडकरी के हिसाब से 1 करोड़ कार अभी भी पुराने हैं जो रोड में चल रहे हैं, विच इज इलीगल नहीं कहूँगा, पर नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिर जो भी आजकल के जो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से वो अभी नहीं चल सकते जो 1 करोड़ है। फैक्ट है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी उन लोग कह रहे हैं कि मोदी ने कहा है कि ये पुराने कार को स्क्रैप किया जाएगा और उसके जगह में जो BS6 के नए पॉलिसीज है उस हिसाब से नए कार लाए जाएंगे। उससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन एनवायरनमेंट को हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप रोड में जब गाड़ी चला रहे हो या रोड से जब आप चल रहे हो तब नोटिस करेंगे कि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड मोस्टली स्कूटी आपको दिख रही है। इसका इंडिकेशन आपको कैसे मिल जाता है क्योंकि उनका नंबर प्लेट ग्रीन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बता दूँ कि हमारे ही एग्जाम पहचान ने MG Hector का इलेक्ट्रिक कार लिया है, वन ऑफ द बेस्ट बट टू एक्सपेंसिव। MG Hector इज टू एक्सपेंसिव, सो मैं ज़्यादा MG Hector के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि होंडा है, मारुति सुजुकी, होंडा, ये सब क्यों नहीं इलेक्ट्रिक कार्स निकाल रहे हैं। ऐसी कंपनीज कार्स निकाल रही है जो 10 में से सिर्फ एक जन ही अफोर्ड कर सकता है। MG Hector एक रंग की चांदनी कार है, वो ज्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है इंडिया में। स्क्रैप पॉलिसी का एग्जांपल अगर मैं अपनी गाड़ी की, तो मेरी गाड़ी 9 साल हो गई है, 15 साल हो जाएगी, तो मुझे उसको बेचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी BS4 इंजन है और अभी भी अच्छी कंडीशन में। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी से अपना एक ड्रीम पूरा किया, फैमिली के लिए छोटा सा गाड़ी लिया, मेरी कार वैगनआर है, तो क्या हम 15 साल जब हो जाएगी तो उसको बेच देंगे? हाँ, जरूर बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट हमें कुछ बहुत रीजनेबल रेट में अगर वही सेम लेवल की 1000 cc की कार अगर देती है। तो आज के तारीख में 1000 cc की गाड़ी आप लेने जाएंगे तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए कि अगर स्क्रैप पॉलिसी लोग मानने लग गए तो गाड़ी तो स्क्रैप हो जाएगी और आपको मिलेगा कितना मिलेगा? मुश्किल से एक सर्टन अमाउंट मिलेगा जिससे आप गाड़ी का टायर भी नहीं खरीद सकते 101%। तो स्क्रैप पॉलिसी एक साइड से अच्छी भी है, हम लोग एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब 20-25 साल पहले जब गाड़ी बना रहे थे तभी क्यों नहीं आप लोग ने ये सोचा, अभी क्यों सोच रहे? लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जल्दी से स्क्रैप पॉलिसी मान लेगी, गाड़ी अपनी दे देगी और अब नया गाड़ी ले लेगी। 10 में से सिर्फ 2 जन ही ऐसे कर सकते हैं, 8 लोग ये नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो थिंक, तो दिस इज अ फ्लॉप पॉलिसी। मुझे तो लगता है टोटली फ्लॉप पॉलिसी है। मैंने रास्ते में अभी भी गाड़ियां देखी है जो 18-20 साल अच्छे कंडीशन में, दस नो एयर पोल्यूशन कुछ नहीं हो रही, अच्छे कंडीशन में चल रही। अच्छा, अगर स्क्रैप पॉलिसी आप मान रहे हो तो जितने भी विंटेज कार्स है उसको भी स्क्रैप करो। वो सब गाड़ियां क्यों रखी है? क्या वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट? बोलना बहुत आसान है इन मंत्रियों के लिए, चाय बनाते चाय में नमक शक्कर जहर क्या डालते किसी को नहीं पता। सामने वाला जब मर जाएगा तो बोलेगा मित्रों ये करेंगे, डायलॉग मारेंगे। बोलना बहुत आसान है, स्क्रैप पॉलिसी इज वन ऑफ द थर्ड क्लास फ्लॉप पॉलिसी। गाड़ी आप अच्छे से मेंटेन रखिए, अपना जो PUC है उसको मेंटेन रखिए, एयर पोल्यूशन मेंटेन है, दैट्स इट। गाड़ी देखना 100 साल चलेगी, 100 साल। तो बहुत दिनों से मैं अपने फ्रेंड्स लोग से भी हम लोग बात कर रहे थे, सबको हंसी आ गई
उन लोग बोल रहे थे 100 में से सिर्फ 4 या 5 जन ही ये स्क्रैप पॉलिसी को साइन करेंगे, सब नहीं। गाड़ी हाँ ठीक है, अगर आप गाड़ी रीजनेबल कर दो, 1000 cc की गाड़ी 2.5 लाख 3 लाख में बेचो, जो इंडिया कभी नहीं, गलती से भी नहीं करे। तो बस यही एक वीडियो था, मन का भड़ास था जो निकालना था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं बता दूं, थोड़ा अंगार पैदा कर दूं। नितिन गडकरी आजकल उनको तो बीजेपी से साइड ही कर दिया है, पहले क्या थे, बोला भाई तू साइड में ही रहे, तेरी वजन बढ़ गई है, आजकल वजन कम भी है, कभी डायलॉग मारते मारते बेहोश भी हो जाती, इनका कुछ गारंटी नहीं, आज है कल। तो नितिन गडकरी साहब अगर गलती से वीडियो देख रहे हो तो आपका पॉलिसी कभी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, जितना भाषण देना दे लो, अपोजिशन पार्लियामेंट में आके चेयर फेंकेगी ये फेंकेगी, ठीक है। और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस, हमारा देश पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए, और ऐसे यूजलेस गवर्नमेंट जो हमारे देश में राज कर रहे हैं इन सबकी समझ जाओ। जय हिंद, जय भारत।